आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम स्लो पॉइजन नाम से भी जानते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन गाइज आप अपने लाइफ के थोड़ा सा समय निकाल कर अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ये हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सारे सवालों का आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा और आपको इससे रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपर टेंशन किसे कहते हैं? हमारे बॉडी में जो ब्लड पंप करता है, हमारे बॉडी में एक नली होता है जो ब्लड पंप करता है, जिसे हम आर्टरी कहते हैं। उसी आर्टरी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है ना, उसी को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? वो है 120/80। अब ये 120/80 क्या है? तो 120 इज द सिस्टोलिक एंड 80 इज द डायस्टोलिक। अब ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या है? तो देखिएगा, जब हम लोग बीपी लेते हैं तो दो नंबर लेते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। तो ऊपर का जो है उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, उस समय पर जब आपका बॉडी में जितना प्रेशर होता है उसी को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक। जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है, फूकता है, तो उस समय पर आपका बॉडी का जितना ब्लड प्रेशर होता है उसी को हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देखिए गाइस, हाइपरटेंशन एक क्रोनिकल डिजीज है, इसे हम ठीक नहीं कर सकते। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, इसे हम कुछ लाइफस्टाइल को बदल कर सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि किन किन लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देकर आप अपना ये ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया है आपका उसे कंट्रोल में ला सकते हैं, आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह लाइफ बिता सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में 6 ऐसे लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगा जिसे अपनाकर आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह लाइफ बिता सकेंगे, या फिर मान लीजिए कि आप कोई दवा ले रहे हैं ब्लड प्रेशर को तो उसे भी आप घटा सकेंगे या फिर छोड़ सकेंगे, या फिर मान लीजिए कि आपके फैमिली में हाइपरटेंशन का हिस्ट्री है तो उससे आपका होने का चांसेस घट जाएगा। और तीसरी चीज, अगर ये 6 लाइफस्टाइल आप अपने जिंदगी में अपना लिए तो आप अपने आप को CKD, क्रोनिकल किडनी डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी से आप अपने आप को बचा सकेंगे। देखिए, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हम लोगों को उसका कारण पता होना चाहिए। हम आपको हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या क्या है वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, हाइपरटेंशन का कोई एग्जैक्ट कारण अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन कुछ सामान्य कारण है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला नंबर पर आता है स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान करना। अगली है ओल्डर एज यानी कि बुढ़ापा आ जाना। बीइंग ओवरवेट एंड ओबेज यानी कि मोटापा बढ़ जाना। अगली है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज कम करना। इसी तरह अगला है टू मच साल्ट इन डाइट यानी कि नून का सेवन ज्यादा करना। क्रोनिक किडनी डिजीज यानी कि आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। अगली है स्ट्रेस यानी कि तनाव ज्यादा लेना, इत्यादि। तो अब तो हमने ये जान लिया कि हाई ब्लड प्रेशर होने का कारण क्या क्या है। अब हम ये जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए किन किन लाइफ स्टाइल के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। जी हाँ गाइस, अगर आप शराब और सिगरेट नहीं पीते तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप हैवी ड्रिंकर हैं तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसका डोज घटाते घटाते आपको इसे छोड़ देना है। जी हाँ गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ जाने का, इसीलिए गाइज आपको स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कम करना है। इसी तरह अगली जो लाइफस्टाइल है वो है सोडियम यानी कि आप अपने हर दिन के डाइट में नमक का मात्रा कम करना है। जी हाँ गाइज, नमक का रिकमेंडेड डोज 2.5 to 3.5 ग्राम ही है, यानी कि आप पूरे दिन में 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं खा सकते। और बहुत सारे ऐसे तरीका है जिससे आप अपने हर दिन के डाइट में नमक की मात्रा घटा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब भी आप अपने लिए खाना बनाएं उसमें नमक का ऐड लास्ट में कीजिए, इससे क्या होगा आपको थोड़ा सा ही नमक में काम चल जाएगा। इसी तरह के बहुत सारे छोटे मोटे कारण हैं जिसे आप अपना कर आप अपने हर दिन के डाइट में नमक का मात्रा घटा सकते हैं। इसी तरह अगली जो लाइफस्टाइल है वो है एक्सरसाइज करना। जी हाँ गाइस, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कार्डियो वास्कुलर एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब कार्डियो वास्कुलर एक्सरसाइज किसे कहते हैं? तो देखिए गाइस, आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपका हार्ट रेट और ब्रीदिंग बढ़ जाए उसे हम कार्डियो वास्कुलर एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे कि जंपिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज है जो कि आप कर सकते हैं। इसी तरह हम लोगों को योगा भी करना है, खासकर ब्रीदिंग से रिलेटेड योगा करना है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अनुलोम विलोम कपालभाति का। जी हाँ गाइस, इसके पीछे का कारण है कि अगर कोई व्यक्ति डीप ब्रेथ लेता है
ऐसे तो उसको क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अपने बॉडी में जाएगा, उससे क्या होगा आपका जो नसा ब्लॉकेज हुआ है वो ज्यादा ऑक्सीजन पाने की वजह से वो पघलने लगेगा और आपका जो ब्लॉकेज हुआ है वो धीरे धीरे खुलने लगेगा और इससे क्या होगा आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह लाइफ बिता सकेंगे। इसी तरह अगली जो लाइफ स्टाइल है वो है वेट लॉस। जी हाँ गाइज, मोटापा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ जाने का, इसीलिए गाइज आपको वेट लॉस करना बहुत ही जरूरी होता है। आप अपने वेट लॉस दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें पहला नंबर पर आता है अ गुड डाइट प्लान और दूसरा नंबर पर आता है रेगुलर एक्सरसाइज। अब आप डाइट प्लान में क्या कर सकते हैं, तो आपको हर दिन के डाइट में मीठा और तेल कम करना है, क्योंकि मीठा खाने में होता है कैलोरी, जिससे क्या होगा आपका वेट बढ़ने का संभावना बढ़ जाता है। इसी तरह एक्सरसाइज में आप लोग, आपको कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो एक्सरसाइज को आप हर दिन कर सकते हैं, उसी एक्सरसाइज को दिन में कम से कम आधा घंटा आपको हर दिन करना है। इसी तरह अगला जो लाइफ स्टाइल है वो है स्ट्रेस, यानी कि तनाव कम लेना है, क्योंकि गाइज ऐसे सिचुएशन में क्या होता है हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, जिससे क्या होता है हमारा नसा कमजोर होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, जिससे क्या होता है हम लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होने की खतरा बढ़ जाता है। और इसे कम करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये स्ट्रेस आ किस वजह से रहे, क्योंकि गाइज स्ट्रेस आने की तो कोई एक वजह तो होती नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे कारण है जिससे आपको स्ट्रेस आ सकती है, जैसे कि मान लीजिए रिलेशनशिप हो गया, गरीबी हो गया, पढ़ाई हो गया, इसी तरह का बहुत सारे कारण है। इसी तरह आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए एक और काम कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन। जी हाँ गाइज, मेडिटेशन करने से क्या होगा आप अपने थॉट को, आप अपने इमोशन को अच्छी तरह से ढंग से पहचान पाएंगे, तभी तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे और आप अपना स्ट्रेस को कम कर पाएंगे। जी हाँ गाइज, मेडिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे आप अपना स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसीलिए गाइज आपको हर दिन 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन करना है। इसी तरह अगली जो लाइफ स्टाइल है वो है डाइट प्लान। जी हाँ गाइज, इसमें हम आपको ऐसे फूड के बारे में बताएंगे जिसे खाकर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख पाएंगे, जिसमें सबसे पहला नंबर पर आता है पालक का सेवन करना। जी हाँ गाइज, पालक में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, पोटासियम भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। दूसरे नंबर पर आता है लहसुन। जी हाँ गाइज, लहसुन हाई ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है ये। अगर आप कच्ची लहसुन खाते हैं वो भी बेस्ट है आपके लिए, इसमें पाया जाने वाला सल्फर कंपाउंड आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसी तरह तीसरे नंबर पर आता है फिश, यानी कि मछली का सेवन करना। जी हाँ गाइज, मछली में भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसी तरह चौथी है सीड्स और नट का सेवन करना। जी हाँ गाइज, आपको ऐसे फूड खाना है जिसमें प्रोटीन का मात्रा ज्यादा हो। प्रोटीन का मात्रा ज्यादा किस चीज में होता है, दाल के आइटम में या फिर बादाम में, इसी तरह का फूड आप खा सकते हैं। पांचवा है ऑरेंज। ऑरेंज में भी बहुत सारे तत्व होते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, आपको हर दिन ऑरेंज खाना है या फिर इसका जूस पीना है। छठा है केला खाना। जी हाँ गाइज, केला में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होते हैं जिससे क्या होता है आपका ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। और छठा है आलू का सेवन करना। जी हाँ गाइज, आलू में भी बहुत भारी मात्रा में पोटेशियम मिलते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसी के साथ साथ आपको मैं फिर से बता दूं कि हाइपरटेंशन ये एक क्रोनिकल डिजीज है, इसे हम ठीक नहीं कर सकते, इसे हम कुछ लाइफ स्टाइल को बदल कर कंट्रोल में रख सकते हैं और नॉर्मल व्यक्ति की तरह लाइफ बिता सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको इस वीडियो में आपको हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या क्या है वो भी बता दिए, हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग कैसे रोक सकते हैं वो 6 लाइफ स्टाइल क्या है वो भी हम आपको बता दिए। कोई व्यक्ति अगर हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है या फिर हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं उसे क्या क्या खाना चाहिए वो भी हम आपको बता दिए। तो देखिए गाइस, अगर आप अपने आप को हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन से बचाना चाहते हैं तो आपको मेरे बातों को फॉलो करना पड़ेगा। आपको जिन जिन लाइफ स्टाइल के बारे में, जिन जिन कारण के बारे में, जिन जिन फूड के बारे में बताया हूँ उस सबको आपको फॉलो करना है, और इसे फॉलो करने के बाद आप अपने बॉडी में कुछ ही दिनों में फर्क महसूस करने लगेंगे और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगेगा। इसी तरह से आप अपना लाइफ एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिता सकते हैं। गाइज, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और अगर आपके पास कोई क्वेरीज है या फिर कोई सजेशन है वो भी आप दे सकते हैं, और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।